थैंक यू सो मच। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली में ना बहुत भयंकर रास्ता है। तो कितना एक्साइटेड हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। एंड फिलहाल मैं हूँ कोहिमा में। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम कैसे दीमापुर से कोहिमा में आए हैं। एंड फिलहाल हम हैं असिन के मामा के घर पे। एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए। और यहाँ में आने के साथ ही साथ सबसे पहले हमने फ्रेश अप हुआ और नहाया एकदम मस्त ठंडे ठंडे पानी से। एंड अभी बारी है ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। एंड ब्रेकफास्ट में देखो एकदम मस्त पूरा नागा स्टाइल में बना हुआ खाना है। क्या क्या है आप लोग देख लो, कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये फोन में बिजी है, यहाँ पर है अचिंग राइट अचोंग, सॉरी। और यहाँ पर भी आप लोग का नाम ही नहीं पूछा मैंने, तुषी। और मिस अको, हाउ इज द टेस्ट ऑफ फूड? वेरी टेस्टी। एंड यू टेल मी समथिंग, हाउ इज द टेस्ट ऑफ फूड? हिंदी में बोलो, हिंदी में। आई लाइक योर हिंदी। नहीं आता ये क्या चीज का बना हुआ है? सोयाबीन्स का। और ये यहाँ पे फेमस है, अखुनी बहुत फेमस है। ये सेमालों का डिश है, सेमालों का ये। तो ये अखुनी है ना, आपको हर जगह मिलेगा, बहुत फेमस है और टेस्टी। स्मेल बहुत खराब है मगर टेस्ट भी उतना सॉर्ट। स्मेल खराब नहीं, स्मेल बहुत अच्छा है। आपको इसका मूवी भी मिलेगा इसके ऊपर में, अखुनी बोल के मिलेगा दिल्ली में। दिल्ली में क्या इसका, इसी का, इसी से रिलेटेड अखुनी बोल के। ओके तो अभी चलो ट्राई करते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, सभी लोग तो ब्रेकफास्ट कर ही रहे। मेरा भी पानी पानी हो रहा है। क्या चीज? मुंह पे पानी पानी हो रहा है। और एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग एकदम मस्त से बैठे हैं और यहाँ से ना एकदम प्यारा सा व्यू भी दिखता है। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोकेशन में आके एकदम मस्त वाला ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये देखो मेरा सामने एकदम चिकन रखा हुआ है, चिकन। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड आप लोगों से मुलाकात करते हैं कुछ समय बाद। अभी हम लोग सभी लोग रेडी हो चुके हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल जाने के लिए। और भाई साहब अपने साथ जो भी कन्या आए थे, लड़के थे ना, सारे लोग इतना ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो गए जस्ट मुझे छोड़कर। और इनका देखो ड्रेस कितना प्यारा, एकदम लोकल ड्रेस है। थोड़ा सा यू टर्न, वाह ये देखो बैक में कितना अच्छा लग रहा है ना, और मैच भी एकदम परफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर एक कन्या, ये किसका है? वाह आगे में है दो और एक जन और चला गया। हाँ ये मेरा, मैं ले चलता हूँ। ओके ओके आल्सो यू, वाह वो वाला डायलॉग मार दो। तब यहाँ से चलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। और कितना दूर है ये अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं है। और इतना तो पता चल रहा है कि जाते जाते लेट हो जाएगा, ऐसे मामा जी बता रहे हैं। तो लेट ना हो बस यही दुआ है। और हम जो फन करने के लिए आए वो फन करें। एंड फन करने से पहले और हॉर्नबिल फेस्टिवल जाने से पहले मुझे जाना है एक क्या बोलेंगे मेरे सब्सक्राइबर के घर पर, जो कि हम मिले थे अभी कुछ समय पहले, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो उनके घर पर ही जाना, उन्होंने इन्वाइट किया है अभी लेट से। क्या क्यों इन्वाइट किया है, क्यों नहीं, जाने के बाद पता चलेगा। एंड हम सब जा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए। सो मच एक्साइटेड फॉर द फेस्टिवल। आर यू गाइस एक्साइटेड? ओ लगता है मेरे सांस सुनने लगे। I'm tired. ऐसे चलते जाएगा ना तो मलाई का अरोड़ा हो जाएगा ऐसे। कुछ ज्यादा ही हो गया। सांस सुनने लग गया। पर ये जगह सही है ना, रोज सुबह शाम ऐसे आते रहो जाते रहो तो फिगर बन जाएगा मस्त वाला। हम सभी ने अपना कपड़ा जो है वापस लेके आएंगे गाड़ी में, क्योंकि हम लोग रात को फेस्टिवल में जाएंगे एंड उसी रात ही रात हम लोग रिटर्न भी हो जाएंगे। इसलिए अपना जितना भी सामान था सब गाड़ी पर रखते हैं एंड देखते हैं कि इस गाड़ी से हम लोग तीन लोग जाएंगे और बाकी तीन लोग दूसरे गाड़ी से। लेट्स गो। और यहीं पर हमें जाना है हमारा सब्सक्राइबर जी। लेट्स गो। आप लोग नहीं आ रहे हो क्या? वाह Yes! Thank you so much. Oh, इधर से कितने देंगे?
थैंक यू सो मच. अनएक्सपेक्टेड भाई, मुझे यकीन नहीं था कि ऐसे मिलेगा. मुझे ना कुछ सही नहीं, जो कोई प्यार देता है ना वो देर से एना फोन मिलेगा. अभी ये लगा के जाना. जी जी आई नो. आपने हाथ से बनाया? हम लोग ऐसे लेते खरीदते हैं ना, और ये हमारा ट्रेडिशनल है. एंड दिस आर वेरी एक्सपेंसिव आल्सो. मेरे में अच्छा दिख रहा है? जी जी जरूर जरूर. थैंक यू सो मच. अच्छा यहाँ से दिखता है, पर यहाँ पर देखो इनका गार्डन कितना प्यारा है भाई, कितना प्यारा. पूरा फ्लावर्स फ्लावर्स लगा कर रखे हैं. और सर जी बता रहे थे ये घर बनाने के लिए पूरा का पूरा 11 साल लगा है इस घर को बनाने के लिए. खूबसूरत चले. अभी हम जा रहे हैं एकदम टॉप में एंड बता रहे यहाँ से ना पूरा आपको ना ये कोहिमा का व्यू दिखता है. एंड इट्स एक्चुअली गाइस जस्ट लुक एट दिस. वाह अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हो रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना. असिन आपका या एक तो ऑनलाइन पे ऑर्डर कुछ अवेलेबल भी इयररिंग तो ब्याह हो गया ना. ओह अयो सकीना और सबीना के लिए भी मिला यहाँ पर गिफ्ट. वाओ ये देखो सकीना के लिए. वाह आपका घर का लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है. वाह अच्छा वहाँ से वो रोड देखो ना कितना प्यारा दिख रहा है. आपका तो पूरा गूगल मैप है घर. इट्स लाइक अ मैप. ये वाला ना दिस वन. ओके तो You're so beautiful and your skin is so beautiful. Edima po rasta. A car racing kan kiya na? Okay. Acha car racing ka area hai wo. Acha wo wala side mein na? Wow. Oh yes. Exactly. Wow. Abhi na course sun raha the. और ये लोकेशन काफी ज्यादा अच्छा है ना. नीचे बात घर बहुत सुंदर है ना. मैं भी तब से वही बोल के आ रहा था. I saw his hat, no? Okay. Then I think, yeah, it is Asmin. No, but I didn't expect that, like, suddenly, yeah. Because I saw him making house, na, ghar banane. हाँ, उसमें ये trouble वाला block नहीं डाला. हाँ, अभी वो आ रहा है, धीरे-धीरे slow आ रहा है. तो घर बना के बैठा तो Asmin तो नहीं आएगा, रोपा मन मनोज तो वाला village. Yeah. हमें प्लानिंग था मतलब उन लोग का साथ में, फिर क्या उन लोग बाइक से आ गया. उसके बाद मेरा पापा बोला कि घर भी बनाना, तो वो भी इम्पोर्टेंट था. सो नो बट ओह माय गॉड. जी जी थैंक यू सो मच. सच में हम लकी बहुत लगे. No, I know him through Rupam only, through Rupam ka video program. Honestly, I'm sabko dekhta. But I just like him. Yeah, even I like him the most. Yeah. Actually, Monu was my best friend. I know him only first, but then through him only I came to know him. And now he's It's not about big blogger or small, na. It's about him connect kar rahe hai. Bal khushi paye na. It's very easy. Thank you so much. Deri ho gayi tumhara na. उसका नाम असिन ब्लॉग. हम आपको दिख जाएगा, हम शेयर करेंगे उसका कल परसों वीडियो में. थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा. लेट्स गो. इसमें टैक्सी में जाएगा ना हम लोग. चलो बाय बाय.
मिलेंगे फिर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है मामा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग जी, बहुत बढ़िया देख रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हमको भी अच्छा लग रहा है। ठीक, सो अभी तीन लोग इसमें जाएंगे एंड तीन लोग इसमें जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है काफी ऊंची जगह में, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लिमिट, ओह गिव इट टू मी। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली में ना बहुत भयंकर रास्ता है, सबके बस का नहीं है। एंड ठीक हुआ कि हम मतलब तीन तीन करके जा रहे हैं डिवाइड करके, अदरवाइज ना छह लोग ना छोटे गाड़ी में जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो देखो भाई कुछ ऐसे रोड्स पे हम जा रहे हैं एकदम, बस ये देखो भाई, ये देखो, दिस इज नॉट इजी भाई, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आके हमारे साथ हो रहा है ना, और ऐसा हो जाए ना अचानक से, तो एक अलग सा खुशी मिलता है, और इतना प्यार मिला, और वो आंटी से मैंने मतलब नंबर नहीं ले पाया, बहुत अफसोस। ओ माय गॉड, ये देखो ये वाइडिंग भी बहुत यूनिक है यहाँ पर, जस्ट लुक एट दिस वाइडिंग। पर पहाड़ों में भाई, पहाड़ में आप क्या कर सकते, इतना फैसिलिटीज ढूंढने को तो मुश्किल ही है। और बाकी देखा जाए ना पहाड़ के पूरे ऊपर में भाई बिल्डिंग्स एकदम बड़े बड़े हैं। वाह, असर ये कैसा तेरी चाहत का। तो उस सफर का डिस्टेंस हमें जस्ट कवर करना था इस टैक्सी से, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हिल है ना, तो इसके वजह से ना छह लोग एक साथ में नहीं जाएंगे। एंड यहाँ तक हमें आने के लिए 100 रुपीज लगा। एंड बाबा धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है, अभी हम लोग फिर से जाएंगे इस टैक्सी पे। यहाँ इतना जल्दी मेरा पूरा टी शर्ट और शर्ट भीग गया। एवरी बॉय इज वॉचिंग टिंग टिंग टिंग। उस समय पहले हम ये बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे थे दूर से, बट हम अब धीरे धीरे उनके क्लोज ही जा रहे हैं। एंड शायद हमें यहाँ से और कुछ किलोमीटर जाना है, बट यहाँ का जो ट्रैफिक है ना काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो हम शॉर्टकट रास्ता अपना के जा रहे हैं, बट ना अगर जो एक्चुअली रास्ता है ना वो रास्ते से जाने से तो बोलता है कि रात तक पहुँच जाओगे, इतना रस हुआ है। तो लेट्स सी कि यहाँ से अभी कितना समय तक हम पहुँच जाएंगे। सो वी आर गोइंग नाउ नागा हेरिटेज विलेज, तो इसके अंदर ही जाके होगा शायद फेस्टिवल। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। भाई आप लोग कितना एक्साइटेड हो, एनर्जी से पता चल रहा है काफी ज्यादा एक्साइटेड। बस हमारे साथ जो ड्राइवर है वो इतना एक्साइटेड नहीं, आई थिंक। नहीं नहीं भाई, एक्चुअली फोकस करना तो उसको वही बेस्ट है। ओके नहीं अच्छा, अभी शांति रहे तो बेस्ट है। ओ भाई यू टर्न देखो, वाओ देखो बहुत सारा जाम है, पार्किंग करना पड़ेगा, इतना भी ठंडा नहीं हो। आप देख सकते हो कितना जाम लगा हुआ है।